हाय फ्रेंड्स, मैं शिखा श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपका अपने किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ बॉम्बे का फेमस स्ट्रीट फूड जिसका नाम है भेलपूरी। तो भेलपूरी जितनी की टेस्टी होती है उतनी हेल्दी भी होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं भेलपूरी। सबसे पहले भेलपूरी बनाने के लिए हमने लिया है ये चावल के बने हुए मुरमुरे, आते हैं मार्केट में। 3 कटोरी हमने ये लिए हैं। खट्टी मीठी इमली की हमने चटनी ली है, ये आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। एक टमाटर लिया है जिसको कि बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़ों में हमने काट लिया है। ये सेब है, बारीक बारीक सेब आते हैं भेलपूरी बनाने के लिए, मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। ये सेब ले लिए हमने 1 छोटी कटोरी। एक नींबू लिया है जिसके कि 2 पीस कर लिए हैं। इसको निचोड़ के हम इसका जो जूस है वो डालेंगे भेलपूरी में। मसाला पीनट लिए हैं हमने 1 बड़ा चम्मच। बाकी आप अपने हिसाब से सारी जितनी भी चीज़ें कम ज़्यादा ले सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, इसको धो के बारीक बारीक काट लिया है। 8 से 10 हमने ये लिए हैं पापड़ी, ये मार्केट में इजीली मिल जाती है और बाकी आप इसे घर पे भी बना सकते हैं। और नमक लिया है टेस्ट के हिसाब से, कम ज़्यादा आप डाल सकते हैं। ये आलू लिया हमने, उबाल लिया आलू को और इसको उबालने के बाद ऐसे पीसेस में हमने काट लिया है छोटे छोटे। एक प्याज ली है, इसको भी बिल्कुल बारीक बारीक हमने काट लिया है। सबसे पहले हमने पैन को गरम कर लिया है गैस पे और गैस बिल्कुल सेम है। ये हम जो मुरमुरे हैं ये सारे हम डाल देंगे और इसको हमने बिना ऑयल के बिना घी के इसको 1 से 2 मिनट तक इसको ऐसे चलाना है जिससे अच्छे क्रिस्पी हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा इसे नहीं भूनना हमें। देखिए 2 मिनट हो गए और ये अच्छे से हमारे भुन गए, क्रिस्पी हो गए। देखिए हाथ से ऐसे ही टूट जाएंगे तो ऐसे ये क्रिस्पी हो गए हमारे। और अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे इसको 10-15 मिनट पंखे के नीचे रख के। हमारे मुरमुरे अच्छे से ठंडे हो गए तो अब हम इसमें डाल देंगे ये जो सेव है छोटे वाले से, ये डाल देंगे और ये डाल देंगे पीनट, थोड़े से डाल देंगे टमाटर, आलू डाल देंगे, प्याज डाल देंगे सब। और ये जो पापड़ी ली हैं इनको ऐसे हाथ से तोड़ लेंगे और डाल देंगे इसमें नमक और ये इमली की खट्टी मीठी चटनी। हरी चटनी भी आप डाल सकते हैं, मेरे को हरी चटनी अच्छी नहीं लगती इसलिए मैंने हरी चटनी नहीं डाली। थोड़ा सा डाल देंगे हरा धनिया, मैंने इसमें हरी मिर्च भी नहीं डाली है, बाकी आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, हरी चटनी डाल सकते हैं। और अब डाल देंगे इसमें ये नींबू, इसको निचोड़ देंगे और इसको नींबू डालने के बाद फिर अच्छे से चारों तरफ से घुमा घुमा के चला लेंगे। तो देखिए भेलपूरी हमारी बनके बिल्कुल तैयार है, हमने इसको सर्व कर दिया है। अब हम इसको गार्निश करेंगे और इसमें डाल देंगे ये सेब चारों तरफ, पीनट डाल देंगे, मूंगफली के दाने, टमाटर डाल देंगे, थोड़ी सी प्याज। तो देखिए भेलपूरी बनके हमारी बिल्कुल तैयार है और इसको बहुत ही आसानी से घर पे हमने बनाया है। तो आप भी इसको ऐसे ही बनाइए, सबको खिलाइए और ऐसे ही नई नई रेसिपीज़ देखते रहने के लिए प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।